फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी इंटेंशनली ऐड करते हैं तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाता है और उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या हम कह सकते हैं कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या किसी इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटी मिक्स करने की या ऐड करने की प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये डोपिंग क्यों रिक्वायर्ड है? तो डोपिंग का यूज किया जाता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। जब हमारे प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तब हम उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट के फैब्रिकेशन के लिए, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, इनको बनाने के लिए। ये पर्पस है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब एक मेन पॉइंट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो इक्वल नहीं होते। अब कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है? तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एटम इम्प्योरिटी जो है वो मिक्स करते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ये सारी चीजें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो इम्प्योरिटी के बेस पे बेसिकली दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले अपन देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम में कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिक्स करते हैं तो उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? ऐसे एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। उनमें आते हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम हैं। इन्हें हम डोनर इम्प्योरिटी एटम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फॉस्फोरस को मिक्स किया है प्योर सिलिकॉन में। जब हम प्योर सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिक्स करते हैं तो हमें मालूम है फॉस्फोरस एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, मतलब उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिलिकॉन जो है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये सिलिकॉन एटम है 1, 2, 3, 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन से, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फॉस्फोरस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एटम। तो ये जो 4 फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के एटम के साथ, अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये फर्स्ट एटम है, इसने सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, इसने भी सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सिलिकॉन के साथ, ये भी। लेकिन एक जो एटम है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रह जाएगा जो कि सिलिकॉन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन में केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए केवल 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म हो सकते हैं, 5th कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा और इसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
इसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा क्योंकि ये मूव करने के लिए फ्री है और ये किसी भी सिलिकॉन एटम से अटैच नहीं है। तो फॉस्फोरस जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है वो डोनेट कर सकता है अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी एटम भी कहते हैं। अब कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डोपिंग पे कि हमने सिलिकॉन में कितनी डोपिंग की है। एक स्मॉल अमाउंट में भी अगर हम डोपिंग करते हैं फॉस्फोरस की सिलिकॉन में तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब अपन देखते हैं चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कई लोग ये सोचते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो उसके टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के वो नेगेटिव होंगे, लेकिन ये एजम्पशन जो है वो गलत है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसके कारण होते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम के कारण होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो भी न्यूट्रल होता है। अब अपन देखते हैं कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है? यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं मैंने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है। जैसा कि हमें मालूम है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होल, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको हम यहाँ पे कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कम होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, इसलिए हम उसे कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी की मदद से, तो जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो मूव करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और जो माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं वो मूव करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन हो रहा है यानी जो करेंट फ्लो हो रहा है वो मेनली किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हम किसी प्योर या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन में या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आप ये देखिए ये एक पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की डोपिंग की है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, और भी बहुत सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है जैसे बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन में हमें मालूम है चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, इस वाले एटम में भी 1, 2, 3, 4, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में मैंने बताया ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है तो इसमें तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3। ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम से जो पास वाला सिलिकॉन का एटम है उससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, लेकिन जो फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हमारा इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें केवल एक सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा पार्ट जो है वो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे होल। इस तरह से जब हम एक सिलिकॉन में इस तरह की ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो ऐसे बहुत सारे होल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये जो होल है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम भी। अब कितने होल जनरेट होंगे वो डिपेंड करता है कि हम कितनी डोपिंग कर रहे हैं प्योर सिलिका मटेरियल में। थोड़ी सी भी अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स जो है वो जनरेट होते हैं। अब अपन देखते हैं चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि लोग सोचते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ होल होते हैं इसीलिए जो करंट कंडक्शन होता है वो होल के कारण होता है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो पॉजिटिव होगा,
लेकिन ये assumption wrong है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ होल होते हैं, लेकिन ये जो होल है वो किसके कारण है, ट्राइवेलेंट एटम के कारण है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम कह सकते टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, वो भी न्यूट्रल है। अब अपन देखते हैं कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। यहाँ पे मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है। जैसा कि हमें मालूम है पी टाइप सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ होल होते हैं इसलिए इनको कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे उनको हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। जब हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो होल्स हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी के। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं तो करेंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो प्लीज स्टे कंटिन्यू।